माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के लिए दिनांक 2/1/19 को माननीय प्रधानमंत्री को, 15/6/19 को वित्त मंत्री भारत सरकार को, 21/21/2020, 27/12/2021 को पुनः माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21/9/22 को मुख्य सचिव की ओर से सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर उक्त बैंकों की ऋण माफी में आर्थिक सहयोग हेतु आग्रह किया है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के केवल एक पत्र दिनांक 21/12/2020 का जवाब पत्र दिनांक 11/10/2022 को दिया, जिसमें कृषक ऋण माफी हेतु आर्थिक सहायता देने से मना किया गया है। वर्तमान में ऋण माफी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2, जी हाँ, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 19/12/18 के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का विचार रखती है। राज्य सरकार ने अंतर विभागीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति की अनुशंसा पर सहकारिता तथा आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तथा उक्त बैंकों की ऋण माफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से पूर्ववर्ती केंद्र की यूपीए की सरकार द्वारा 2008 में करीब 72,000 करोड़ की देशव्यापी कर्ज माफी की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने हेतु निर्देशित कराने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिनांक 9/11/21 को ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एवं एक मुश्त ऋण माफी योजना के तहत 90/10 का ऋण माफी का प्रस्ताव वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कॉरपोरेट कार्यालयों को भिजवाया गया, लेकिन किसी भी बैंक प्रबंधन ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है। अगला प्रश्न श्रीमती